नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। प्रखंड प्रमुख कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करते प्रखंड प्रमुख रेणु देवी एवं उपस्थित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख असरगंज रेणु देवी ने पदभार संभाला। प्राथमिकता के आधार पर विकास की योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। राजेश कुमार, असरगंज। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रेणु देवी ने सोमवार को प्रखंड परिसर स्थित कार्यालय में पदभार संभाल लिया। इस मौके पर प्रमुख श्रीमती रेणु देवी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का जीता जागता मिसाल है। क्षेत्र के महिला के कल्याण संबंधी योजनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर प्रखंड क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। वहीं मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य अनिल कुमार सिंह ने कहा कि महिला प्रमुख से आधी आबादी को लाभ मिलेगा एवं क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का कार्य तेजी से होगा। जबकि नवनिर्वाचित उप प्रमुख संतोष शुक्ला ने प्रखंड क्षेत्र में तेजी से विकास योजनाएं कार्यान्वित करने की बात कही। पदभार संभालने के पूर्व कार्यालय का विधिवत उद्घाटन प्रमुख रेणु देवी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर BDO अमित कुमार, अंचलाधिकारी अनुज कुमार झा, BPRO गौतम भारती, मुखिया स्वाति देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर प्रखंड कार्यालय भवन रंग रोगन, फूल माला एवं बैलून से सजाया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम में नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य पूजा कुमारी, उदय पासवान, नंद किशोर यादव, राजेश कुमार, चंदन सिंह, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष शंभू मंडल, राजद नेता संजय कुमार, सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार साह, जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष चंदन सिंह बंटी, संजीत सिंह, राजेंद्र मोदी, आनंदी मांझी, आशीष मंडल, मुकेश मंडल सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आज मुझे असरगंज प्रखंड का प्रमुख बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं असरगंज प्रखंड की सारे जनता और सारे समिति सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ और आशा दिलाती हूँ कि मैं सुबह हो या शाम हर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। किसान के लिए जो भी खाद बीज जो भी होगा, मैं उनको सही मूल पर दिलाना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।